गार्निश करते हैं इसको हम ग्रीन चिली के साथ। मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना है। आप भी बनाइएगा, बना के अपने प्यारों को खिलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समीयाज रसोई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं जी। आज भी सुबह सुबह का आगाज हो चुका है क्योंकि रोजा रख के हम सो गए थे तो अभी उठे हैं, तो मैंने देखा है तो मैंने सोचा आज तो ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तो रेडी हुए हैं तो अब निकलने लगे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेके चलते हैं, तो चले आए, चलते हैं। आपको दिखाते हैं जी बाहर का वेदर। आज भी काफ़ी अच्छा वेदर है, सूरज निकला हुआ है और गर्मी गर्मी फील हो रही है सुबह सुबह उठते उठते ही। तो देखें आज भी बड़ा नाइस वेदर है। चलें जी अब बैठते हैं अपनी गाड़ी में। चलें जी एज़्डा हम पहुंच चुके हैं, तो अब यहाँ से लेते हैं हम कहीं से ट्रॉली, तो फिर चलते हैं अंदर। चलें जी ट्रॉली लेके एज़्डा पहुंच चुके हैं, तो अब चलते हैं अंदर। ये देखें जी अंदर आते ही प्लांट लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले आपका मुंह मीठा करवाते हैं। ये ले जी खाएं केक खूब मज़े से, बहुत मज़े के केक होते हैं इनके। एज़्डा में भी गार्डन का फर्नीचर आ चुका है, ये देखें कितना नाइस लग रहा है। ये देखें ये भी गार्डन में रखने के लिए, वेरी नाइस ट्री। वेदर चेंज होते ही ये देखें बारबेक्यू की भी चीज़ें आ चुकी हैं। आएँ एज़्डा और ख़रीदें और अपने गार्डन में करें जी बारबेक्यू, तो इन्जॉय करें। प्राइस भी देखें, ये तो रीज़नेबल प्राइस है। मेरी तरफ से आप सबको ये फूल गिफ्ट है। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं जी। अब शुरू कर देते हैं शॉपिंग करने, तो पहले शॉपिंग करते हैं साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से लेते हैं जी कैरेट, यहाँ से लिया जी क्यूकम्बर, अब जाते हैं लेटस की तरफ। यहाँ से लेते हैं ये देखें जी शिमला मिर्चियाँ लगी हुई हैं, लूज वाली भी पैकेट वाली भी। अब यहाँ से लेने हैं हम टमाटर, यहाँ से लेते हैं अनियन, ये देखें जी ऑरेंज अभी भी हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं ऑरेंज नहीं ख़त्म होते यहाँ से। अब जी इस जगह पे आए हैं योगर्ट वाली पे, यहाँ से लेते हैं हम योगर्ट। अब आए हैं जी सैंडविच स्प्रेड वाली जगह पे, यहाँ से हमने लेनी है सैंडविच स्प्रेड। यहाँ से लेते हैं जी जूस हम। पाए हैं जी चीज़ वाली जगह पे, यहाँ से लेते हैं हम चीज़ जी। यहाँ से लेते हैं हम दूध। ये देखें जी चावल, पहले यही चावल ऑफरों पे लगे हुए थे, अब ऑफरें उठा दी गई हैं, आई थिंक बैक टू नॉर्मल प्राइस पे आ गई हैं चीज़ें। यहाँ से लिए हैं जी हमने ये जूस बच्चों के लिए। यहाँ से लेते हैं जी मकरोनी बच्चों के लिए। अब जी आ गए हैं सॉस वाली जगह से, यहाँ से लेनी है केचप एंड मेयोनेज़। यहाँ से देखते हैं जी कोई मेयोनेज़, पेस्टा सॉस जी मैं ये वाली यूज़ करती हूँ एज़्डा की चंकी वेज वाली, तो मैंने ये बाय कर। घर के लिए जी लेने हैं टिश्यू, तो यहाँ से लेते हैं। यहाँ से लिए हैं जी हमने अंडे। अब जी पहुँच चुके हैं ब्रेड सेक्शन में, यहाँ से बर्गर रोल लेने हैं, पहले वो लेते हैं। अब लेते हैं जी ब्रेड, देखें साथ साथ जो समिया शॉपिंग कर रही है वो आपको भी करवा रही है। चलें जी अब चलते हैं फ्रोजन वाली जगह पर, यहाँ से लेते हैं सब्जी अगर कोई मिलती है। स्पेशली मैं तो देखने लगी हूँ गोभी, वो ले जी इस जगह पे आ गया फ्रोजन वाले पे। यहाँ से देखते हैं कुछ जी, गर्मियाँ आ चुकी हैं तो बच्चे कह रहे हैं आइसक्रीम लेनी है, तो मैंने कहा चलें आइसक्रीम की तरफ चलते हैं। अब जी हो गई है शॉपिंग, अब करते हैं पे, तो चलते हैं पे। अब जी आ गए हैं जी कपड़ों वाली साइड पे, यहाँ से देखते हैं कुछ मिलता है तो लेते हैं वरना चलें। आगे से तो मैं देखा ही मुझे कुछ मिला नहीं है, तो अब चलते हैं घर, तो घर जाके आपको देते हैं मज़े की रेसिपी, तो चले आए फिर चलते हैं घर। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आए हैं बाल्टी गोश, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही कम मसाले, सिंपल, और जितना सिंपल बनता है उतना ही ये ज़्यादा मज़े का और टेस्टी होता है। आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे जब एक दफ़ा ये बनाएंगे ना, तो आपका दिल करेगा कि बार बार यही बना के हम खाएं। तो चलें
इतना मजा ले लिया, तो आते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। ये लैम का गोश्त है 1 kg, उसी हिसाब से मैंने सारी चीजें रेडी की हैं। इसमें जाएगा घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर ये घी में बनाई जाती है तो ज्यादा टेस्ट आता है, मजे की बनती है, देसी स्टाइल की बनती है। योगर्ट, मैं टमाटो प्यूरी यूज कर रही हूँ। अनियन ब्राउन वाले, आप ब्राउन भी कर सकते हैं, फ्रेश वाले काट के तो ब्राउन कर लें, तो मैंने कहा इजी और क्विक देनी है तो क्यों ना मैं ब्राउन वाले अनियन यूज करूं। गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट। आते हैं अपनी स्पाइस की तरफ। स्पाइस में है नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, जीरा, सूखा धनिया पाउडर, और मैं फ्रेश दूसरा साबित वाला भी धनिया यूज कर रही हूँ, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और ये ग्रीन चिल्ली। चलें जी अब बनाना शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले हांडी में हम डालेंगे घी, ये तकरीबन 2 भर के स्पून डालेंगे। चूल्हा कर देते हैं ऑन, इसको होने देते हैं हम मेल्ट। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इसमें ऐड करते हैं तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और ये जीरा थोड़ा सा। इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसमें जरा हम फ्राई कर लेते हैं, फ्राई कह लें, तड़फाना कह लें, जैसे पलवशा बाजी बोलती हैं, इनको हम थोड़ा सा तड़फाएंगे, फिर इसमें हम मीट डालेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा नहीं करना वरना वो फिर जल जाएंगे। अब डालते हैं इसमें गोश्त। हम जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए उसको अच्छी तरह इसमें ही हमने भूनना। ये जो बाल्टी गोश्त है ना, ये सारा इसका टेस्ट भूनने का ही है, जितना ये ज्यादा भूना हो उतना ही ये ज्यादा मजे का बनता है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर ही फ्राई करते हैं। अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें डालते हैं गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट। अगर आपके पास ब्राउन अनियन नहीं है तो आप जब ये खड़े मसाले डालेंगे ना उसके साथ ही आप अनियन डाल के उनको भी ब्राउन कर सकते हैं। गार्लिक एंड जिंजर के साथ भी इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देते हैं। मैंने इसलिए टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी, उससे कलर अच्छा आता है, तो मैंने सोचा चले मैं टमाटर में ये प्यूरी डालती हूँ, इससे भी कलर अच्छा आएगा। जाते हैं बाकी के मसाले, क्योंकि इसमें धनिया ज्यादा जाता है तो मैंने धनिया पाउडर भी यूज किया है और साबुत धनिया भी यूज किया है। साथ ही जाते हैं ब्राउन अनियन, फिर इसे भुनाई अच्छी तरह करते हैं। ये बहुत मजे की बनती है रेसिपी, आप भी बनाइएगा और मुझे प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब इसी तरह बस इसको 4 से 5 मिनट के लिए और भूनते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है और बड़ी अच्छी स्मेल आनी शुरू हो गई है। क्योंकि ये लैम्ब का गोश्त है तो ये तकरीबन 40 मिनट में ये गल जाता है अच्छे तरीके से। इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। ये तकरीबन मैं एक भर के जग डालूंगी जिसमें ये अच्छी तरह गल जाए। और इसकी आंच मीडियम टू हाई रखेंगे और इसको मैं 2-3 दफा चेक भी करूंगी। मिलते हैं जी आपको 40 मिनट के बाद। इसको रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए तो मैं चेक करने लगी थी तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। अभी इसको मजीद 20 मिनट के लिए और रखेंगे। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। इसको रखे हुए तकरीबन पूरे 40 मिनट हो चुके हैं। खोलते हैं कितना मज़े का और ग्रेवी वाला ये बना है गोश्त हमारा। इस पॉइंट पे आके हम इसमें योगर्ट ऐड करते हैं। योगर्ट तकरीबन 4 बड़े चम्मच हैं। अब इस आंच करते हैं थोड़ी सी तेज। गोश्त हमारा गल चुका है मैंने चेक किया। अब इसकी बस योगर्ट के साथ इसकी बुनाई करनी है। तो हमारा बाल्टी गोश्त रेडी है। ये देखें कितनी मज़े की ग्रेवी बनी है ना। इसकी आँच और थोड़ी तेज़ कर देती हूँ। इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। तो ये जो तेज़ पत्ता है अब इसका फ्लेवर तो चला गया। अब इसको बाहर निकाल देते हैं। इसका कोई काम नहीं खाने में। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसको करते हैं हम डिश आउट। गार्निश करते हैं इसको हम ग्रीन चिली के साथ। मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना है। आप भी बनाइएगा, बना के अपने प्यारों को खिलाइएगा। अब दी हमें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।